खबर गया जिले से है, जहां गत वर्ष 16 फरवरी 2022 को जीडी गोयनका में रहे शिक्षक सुवेंदु जट्टी ने वर्ग अष्टम के छात्र कृष्ण प्रकाश की पीट पीट कर हत्या करने के आरोप लगे थे, जिसके नामजद प्राथमिकी परिजनों द्वारा चकंद थाना में दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं की गई। आरोपित शिक्षक एवं स्कूल प्रशासन के विरुद्ध कार्यवाही में लीपापोती की जा रही थी और पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास नहीं कर रही। गत दिवस आरोपी शिक्षक ने आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं मृतक छात्र के पिता ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि आरोपी को ट्रांजिट रिमांड में लेकर पूछताछ की जाए। आपको बता दें कि मेडिकल रिपोर्ट में छात्र की मृत्यु का कारण सल्फास की गोली खाने से मौत बताई गई है, जिसे ना तो परिजन और ना ही नगर वासियों ने स्वीकार किया। पटना के FLSC द्वारा असंतोषजनक जांच रिपोर्ट आने के बाद पुनः जांच के लिए कोलकाता केंद्रीय लैब भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट में किसी प्रकार के जहर खाने की बात को स्पष्ट रूप से नकारा गया। इसी बीच मगध मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल पैथोलॉजी रिपोर्ट में भी मृत्यु का कारण चोट को बताया गया। न्यायिक लड़ाई के बाद सफलता विगत एक महीने पहले मिली। माननीय उच्च न्यायालय ने शिक्षक शिवेंदु जट्टी को अविलंब 6 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया और 2 दिन पहले आरोपी शिक्षक खुद को सरेंडर किया है न्यायिक हिरासत में। अब मेरी इच्छा है कि उसको पुलिस कस्टडी में लिया जाए और पुलिस कस्टडी में लेकर उसे प्रॉपर तरीके से उसे पूछताछ किया जाए, किस परिस्थिति में उसने बच्चे को मारा, साथ में कौन कौन थे, स्कूल प्रशासन के कौन कौन से लोग सम्मिलित उसमें थे, किस हथियार से मारा, किस पे उसका फट गया। तो पुलिस अपना कर्तव्य का निर्वाह करे, यही मेरी इच्छा है। 2022 घटित थी, पूरी 11 महीना बाद न्यायिक लड़ाई में माननीय उच्चतम न्यायालय से सफलता मिली, उनका आदेश आया सरेंडर करने का अभियुक्त को। विगत 2 दिन पहले सोमवार को अभियुक्त ने सरेंडर किया है। अब मेरी डिमांड ये है कि पुलिस कस्टडी में उसको लेकर करके किस स्थिति में उसको पीटा गया, कौन कौन के साथ में थे, किस स्टूडेंट्स को मारा गया, किस स्प्लिन फट गया, इसकी पूरी तरह तरीके से जांच हो। पुलिस कस्टडी में उसको टॉर्चर करेगी, सारा कुछ वॉमिट करेगा वो। एक साल होने जा रहा है, 11 महीना क्रॉस कर गया 16 फरवरी कांड में, और इस केस को शुरू से गया के अभिभावक भी देख रहे थे कि कई भ्रांतियाँ थी। सर्वप्रथम जो है उस बच्चे की मृत्यु भी एक संदिग्ध लग रहा था, खुद ले जाके इलाज कराना, खुद ले जा करके पोस्टमार्टम करा देना प्रशासन का, और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने रिपोर्ट बना दिया कि 12 साल का बच्चा सल्फास खाया, तो बिल्कुल संदिग्ध था। जब कैंडल मार्च हुआ, हजारों लोग रोड पर उतरे, हमारे घर की महिलाएं उतर गई रोड पर, तब जो है इस केस के इंचार्ज भरत सोनी जी को बनाया गया। भरत सोनी जी ने बड़े चलाकी से सभी को हैदराबाद बता करके और बचा हुआ बिस्रा का पार्ट कर कलकत्ता FSL को भेज दिया, और वहाँ से स्पष्ट रिपोर्ट आ गई कि किसी तरह का कोई टॉक्सिन नहीं पाया गया, यानी कोई जहर ही नहीं। तो ये भी मामला लंबित है कि आखिर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने क्यों बना दिया। नेशनल लेवल का लैब जो है वो बोलता है कुछ भी नहीं। वहाँ के डॉक्टर असीम मेसराफ, वो अपना डायरी में उनका स्टेटमेंट है कि स्प्लीन जो है फटा हुआ था, जबकि डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई मायने नहीं रखता स्प्लीन का। स्प्लीन होता है ब्लड रिजर्वायर बॉडी में, और खुद जो डॉक्टर ने जहर बनाया है उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी स्प्लीन इन लार्ज लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं भ्रांतियां थी। अब जो है 302, 304, 120 के मामला में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेल रिजेक्ट, हाई कोर्ट चला गया 11 महीने में, शिक्षक गिरफ्तार नहीं हुआ, शिक्षक खुद जेल गया है। यानी प्रशासन कहीं ना कहीं प्रशासन के प्रति निराशाजनक रही गया के अभिभावक। अब कम से कम गया के नए SSP जो आए हैं उनसे हम लोगों का विनती है, गया के अभिभावक, कि उस शिक्षक को आप रिमांड पर लेकर के, आखिर क्यों हो रहा है?
परसों सरेंडर किया, क्या अभी तक आपने रिमांड के लिए आवेदन दिया? सारे गया शहर के अभिभावक इसका निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। अब कम से कम सुबह का बोला शाम को वापस आ जाए तो भी गया प्रशासन पे हम लोगों का भरोसा बना रहेगा। हम लोगों का मांग है कि जल्द से जल्द रिमांड पर ले, और जो तीन अफसरों की कमेटी बनाई गई थी उसकी स्कूल के जांच के लिए, उसमें एप्लीकेशन में उन्होंने रिकमेंड किया है कि उसके एप्लीकेशन को रद्द किया जाए, क्राइटेरिया नहीं पूरा करता है, तो ये भी कार्रवाई अभी तक रुकी हुई। कब हम लोग जाने, कब आखिर होगा? हत्याकांड के मामला में गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या लगता है इस मामला में, मतलब कितना, मतलब